नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज। द ग्राउंड न्यूज की टीम जो स्पेशल कार्यक्रम अपना लेकर आई है सफरनामा। सफरनामा के तहत हमने आपको वार्ड 21 की कई ऐसी खामियां थी जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, यानी आप लोगों को दिखाया। लेकिन उसी वार्ड से, वार्ड 21 से आज हमारे साथ मौजूद है रामे प्रधान, जो उस वार्ड से हालांकि चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने जो सफरनामा दिखाया था उसमें हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई थी जिसके माध्यम से जो वार्ड 21 में जो समस्याएँ हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो या सीवर की समस्या हो या स्ट्रीट लाइटों की समस्या हो, तो तमाम समस्या से हमने आपको रूबरू करवाया था। लेकिन आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है रामे प्रधान, तो सबसे पहले रामे जी आपका स्वागत है द ग्राउंड न्यूज पे। धन्यवाद। अच्छा रामे जी, जिस तरह से हमने सफरनामा, जो हमारी टीम सफरनामा लेकर आई है, उसमें हम तमाम जो वार्ड है उसका हमने सर्वे किया था, जिसमें वार्ड 21 का भी हम लोगों ने सर्वे किया था, तो काफ़ी ऐसी खामियां हैं जो निकल कर सामने आई थी हालांकि। लेकिन फिर आपकी तरफ से भी अगर मैं पूछूं तो क्या कुछ खामियां जो आपके वार्ड में? खामियां तो आपने जब सर्वे किया तो आपने देख ही लिया होगा, बाकी मैं अगर अपने मुंह से बताऊं तो बताने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, तो क्या क्या समस्या है? जैसे सबसे पहली, जब एक वार्ड पार्षद को या किसी भी प्रतिनिधि को चुना जाता है तो एक भावना का रिश्ता जुड़कर उसको बनाया जाता है कि ये व्यक्ति हमारे दुख सुख में काम आएगा और हमारी मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी नहीं करेगा। लेकिन पूरे वार्ड के अंदर अब से पहले, आप चाहे वो लक्ष्मी गार्डन की बात हो, चाहे बलदेव नगर की बात हो, चाहे वीर नगर की बात है, वहाँ पे लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, मूलभूत सुविधाएं, वो पूरे 5 साल गुजर गए, अभी तक तो देखने को नहीं आ रही है। अच्छा रामे जी, कारण क्या है? क्योंकि जैसे कि हमने भी वहाँ जो तमाम जो लोग थे उनसे भी हमने बातचीत की, तो हालांकि नेता का काम होता है आरोप लगाना, तो क्या कारण है कि आपके पार्षद ने काम नहीं करवाया? नहीं, मैंने, मुझे आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो धरातल पे आप जाके देख सकते हैं, पब्लिक बताएगी और पब्लिक कैसे कैसे शब्दों से नवाज रही है वो पब्लिक के मुखरांदिश से आप सुनेंगे। मुझे किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं ज़मीन की बात बता रहा हूँ कि जैसे सड़कें आज भी टूटी पड़ी है, सड़कें बनी हैं तो उनकी क्वालिटी क्या है, और सीवरेज ब्लॉक हुए पड़े हैं, सीवरों जहाँ सीवर डलने नहीं चाहिए थे वहाँ बिना बात खोद के डाले जा रहे हैं, और जहाँ ब्लॉक हो रहे हैं, जहाँ छोटे पाइप हैं वहाँ पे आज तक भी उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिन सड़कों की हालत इतनी जर्जर हुई, जिन गलियों की जर्जर, जिन गंदगी का ढेर लगा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? मार्फत पार्षद। जब ये कार्यकाल समाप्त हो रहा था नगर निगम का दूसरा कार्यकाल, उस टाइम पार्षद ने भी प्रदर्शन किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। 5 साल से कहाँ सुन रहा था पार्षद? क्या अधिकारी कार्यकाल पूरा होने के बाद ही नहीं सुन रहा? 5 साल तो सुना है ना, अगर 5 साल से अधिकारी ने सुना है तो फिर 5 साल कार्य क्यों नहीं कराए? आप ही बता रहे हैं ना कि 5 साल बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद पार्षद ड्रामा कर रहा है। मैं इसको ड्रामा मानता हूँ, एक पार्षद ने किया, अन्य पार्षदों ने भी ड्रामे किया, जिस रोज़ उन लोगों के बस्ते जमा हो गए उसी रोज़ उन लोगों को जनता की याद आई है। कोई किसी तरह का षड्यंत्र रचकर पब्लिक को अपने साथ सहानुभूति लेना चाहता है, कोई किसी तरह का षड्यंत्र लेकर आपके सामने, ये तो एक पार्षद की बात नहीं, कई पार्षदों की बात है। अच्छा, वार्ड 21 की बात करें अगर हम, तो कौन सी ऐसी कॉलोनी है जहाँ ज़्यादा समस्या है? समस्या मेरे रविनगर में देख लीजिए, मैं खुद इस बात का प्रमाण हूँ। मेरे खुद के घर के सामने जो एक मैन होल के साथ में पानी के, बरसात के पानी के जाने के लिए जो जाली लगाई जाती है, पूरी तीनों चारों गलियों में 1 साल कहते कहते, मैंने स्वयं जब मैंने कॉलोनी के ग्रुप पे डाला तब उनको पीड़ा हुई, और फिर उन लोगों ने उस पर कमेंट्स भी अबद्ध किए, और उसके बावजूद भी 4 महीने बाद जाके वो लगे, 2 साल उसको नहीं दिखाई दिया। अभी चलिए रविनगर 3 नंबर गली में, आज भी चैम्बर कम से कम 8 इंची ऊंचा हुआ है, आने जाने वालों को समस्या होती है, गाड़ी उस पर टिकती है, जाके देखिए वो क्या पार्षद को दिखाई नहीं देती, या पार्षद के उन गुर्गों को नहीं दिखाई देती जो आज अपने आप को पार्षद के भी खुदा मानते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता ने बनाया, जनता की हर समस्या को ध्यान में रखते हुए उसको, उसका निजात मिलनी चाहिए। अच्छा रामे जी, फिरोज गांधी कॉलोनी की बात करें तो कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, कारण क्या है, आप मानते हैं? फिरोज गांधी के साथ, देखिए सौतेला व्यवहार करता है तो कौन करता है, और अगर फिरोज गांधी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार करते हैं, कौन करता है? ठीक है,
पार्षद ही तो करता है ना। आप जब ऐसा प्रतिनिधि चुनोगे जो सौतेला विभाग सौतेलापन दिमाग में रख के हमेशा रहता हो और लोगों को ट्रीट करता हो, नहीं उनको ऐसा तो नहीं लगता कि भाई ये मेरे वोटर नहीं है, किसी और के वोटर हैं। देखिए वोटर देखिए जीतने के बाद, मैं तो एक बात मानता हूँ, मैंने दो चुनाव लड़े, पहले मैंने 2011 में वार्ड नंबर 9 से लड़ा, मैं आज भी वो मेरा परिवार है, मुझे आज भी वहाँ की कोई समस्या मेरे फ़ोन के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से मेरे पास आती है तो मैं खड़ा होता हूँ और वो काम होता भी है। ऐसा तो हुआ नहीं कि नहीं, लेकिन मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी पर होता है कि मैं उनके साथ में, उनके दुख सुख में, उनकी समस्या में खड़ा होना। अच्छा रामी, चलिए ये तो पार्षद के ऊपर है, हालांकि लोगों ने भी आरोप लगाया, आपने भी आरोप लगाया, काम होता है आरोप लगाना, और जैसे हालांकि लोगों ने भी आरोप लगाया था, हमने उसकी हकीकत भी दिखाई थी। अब मैं आपके ऊपर सवाल करता हूँ कि आप कोई ऐसा 5 काम बता दीजिए जो आपने वार्ड 21 में करवाया हो। जी हालांकि पार्षद नहीं है आप, लेकिन फिर भी कुछ समाज सेवी में कुछ भी किया होगा आपने। देखिए मैं तो एक पार्षद मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी है, मैं एक सोशल समाज सेवा को मैं अपना धर्म मानता हूँ, और मैं आज से नहीं, जब से लगभग मेरे को 24-25 साल कंटिन्यू हो गए, ठीक है, मेरे पास कोई भी समस्या आती है तो मैंने अभी बताया आपको, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ आपकी जनता को भी कि मेरे पास कोई समस्या आती है तो मैं उस समस्या में खड़ा होने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो शासनिक हो, प्रशासनिक हो, चाहे वो मेरे अपने सेल्फ की हो, और उसमें जो मेरे से बन सकता है वो मैं करता हूँ। रमेश जी मैंने 500 पहला सवाल तो यही है, देखिए अभी आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर क्या पूरे देश के अंदर बड़ी परिस्थितियों से गुजरा है, क्या उसमें सरकार ने जनता के लिए ग्रांट नहीं दिए? नहीं दिए। हमने लगभग डेली हम 1000 से अबाउ पैक वो बना के किट बना के मैं उसको लोगों को मेरे फ़ोन पे आते थे और मैं उनकी लिस्ट बनाकर तैयार करके मैं शाम निकलता था और उनको मैं डोर टू डोर जाके जहाँ भी मैं वार्ड पार्षद मतलब वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास तो अनारपुर से भी फ़ोन आए हैं, नवादा से भी फ़ोन आए, मानेसर से भी फ़ोन आए, शीतला कॉलोनी से भी आए, जहाँ से कोरोना के दौरान समाज हित में कई ऐसे कार्य, जी हाँ मैंने वो जितना मेरे अंदर वो थी क्षमता मैंने किया, फिर स्टार्ट किया था लगभग मैं 15 दिन तक अकेला करता रहा अपने पॉकेट से, लेकिन फिर मेरे साथियों ने मुझे उसमें योगदान भी किया है और मेरे शारीरिक भी किया और फाइनेंशियली भी किया, वो जिसमें हमने 53 दिन लोगों को कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन दिया है अनाज का, मतलब उसमें चावल दाल नमक मसाला सारा, फिर जब हमने 40 दिन तक तो ऐसे किया, फिर हमने देखा कि भाई लंबा चल सकता है तो हमारी इतना बजट नहीं था, तो फिर हमने 13 दिन हमने फिर एक पैकेट बनाकर बने हुए खाने का वो वितरित किया जी। दूसरा कार्य ये कि जैसे किसी को कोई समस्या हो, जैसे किसी बहन बेटी की पेंशन नहीं बन रही हो, जैसे मान लो हमारी मतलब समाज में विधवा हो जाती है बेटी, उनकी पेंशन बनाने में सहयोग करते हैं, जैसे मान लिया किसी के बच्चे का कोई राशन वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं पाता, लेट हो जाते हैं 10 साल पुराना 15, उसमें भी हम मदद करते हैं, वो भी काम हमने कर। दूसरे किसी का शादी ब्याह में कोई वो होता है कि हेल्प करने की बात होती है, जो हमारे मेरी अपनी कैपेसिटी है उसमें भी मैं मदद करता हूँ। रही बात किसी के साथ कोई झगड़ा फसाद होता है तो उस झगड़े फसाद को प्रशासन थाने पुलिस में आगे ना बढ़े, मैं समाज हित में तमाम आप काम करता हूँ। अच्छा मेरा कोई विशेष नहीं है कि मैं एक ही काम करता हूँ, जो भी मेरे को याद करता है लोग उसमें चलता हूँ। तो रामी जी अब तक कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, वार्ड के लोग परेशान हैं क्योंकि जो पार्षद है उन्होंने कुछ काम अधूरे भी छोड़ कर गए होंगे, तो उनसे अब उनकी मदद कैसे करेंगे? बहुत काम अधूरे हैं उसमें मैं कार्य अपनी प्रयासरत्न हूँ, मैं प्रशासन के द्वारा कराएंगे और हमें वो विश्वास है प्रशासन से, जो लोग कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं, देखिए हम देखते, हम रिक्वेस्ट करेंगे अधिकारियों से और वो कार्य जो काम करवाएंगे आप बिल्कुल कराएंगे, हमने कुछ गलियाँ छोड़ी हुई है उन गलियों के लिए हमने आवेदन दिए हुए हैं और आगे भी देंगे। हम देखिए अधिकारी का सम्मान भी होना चाहिए, अधिकारी अगर कार्य नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी होनी चाहिए अधिकारियों के माध्यम से। आप पहले सम्मान होना चाहिए अधिकारी का, देखिए हर कोई सम्मान चाहता है, अगर आप अधिकारी को उसके तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो अधिकारी भी फिर आपको इग्नोर करना करूँगा। अच्छा रामी जी एक बात और बता दीजिए, जैसे कि आपके वार्ड में पार्क नहीं है, सड़कों की समस्या है, सीवर की समस्या है, कितनी बार आप अधिकारी से मिले इस चीज़ को लेकर, कितनी बार मिलते थे आप, क्या कोई आपने हल करवाया? देखिए जैसे आज आप कह रहे हैं मैं करवाऊंगा, देखिए जब ये कुछ गलियां बनने जा रही थी खोद कर डाल दिया गया था, लगभग 1.5 साल पहले की 2 साल पहले की बात है, हम अपने रविनगर की बात करते तो वो गलियां खोद कर डाल दी गई थी, फिर हमने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की तो अधिकारियों ने उसको तुरंत प्रभाव से समस्या का निजात दिया। चलिए वार्ड 21 से तैयारी कर रहे हैं आप,
नहीं अभी देखते वार्ड बंदी होने दो, मेरा तो हो सकता है अभी कोई डिक्लेयर नहीं किस वार्ड में। मेरे 21 नंबर और 14 नंबर वार्ड मेरे दोनों में तैयार है। 21 और 14 दोनों। हाँ 14 में मेरा ज़्यादा जुनून है क्योंकि मेरा पुराना घर वो है, और नया भी देखते हैं अकॉर्डिंग नगर निगम जो वार्ड बंदी करते। किसी पार्टी से टिकट की भी नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना अभी तक लड़े हैं क्योंकि मुझे कुछ पार्टियों ने जिस टाइम मुझे जरूरत थी उस टाइम टिकट नहीं दिए, तो अब मैं टिकट नहीं लेना चाहता। अभी अगर हम बात करें कि 21 से तैयारी कर रहे हैं आपकी 14 से? मेरे दोनों से तैयारी है, बस दोनों से तैयारी कर रहे हैं सर। मेरी दोनों से तैयारी, जनता बताएगी मेरी जनता। हम मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने मुँह से मैं उठू नहीं बनना चाहता। मेरे समाज जो समाज है, जनता नहीं है मेरे लिए, वो मेरा परिवार है जनता। मैं नेता बनना नहीं चाहता, मैं तो समाज सेवा ही बनना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। नेता बनते ही मेरे अंदर वो आज एक्टिविटीज़ मेरी उल्टी सीधी हो जाएगी। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, मेरे को नेता ही नहीं, मैंने बेटा बनना है, मुझे भाई बनना है और समाज सेवा ही करनी है मेरे को। अच्छा रामे जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रामे प्रधान वोट काटने के लिए चुनाव लड़ते हैं या जीतने के लिए। देखिए किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, मैंने तो कुर्बानियाँ भी दी कुछ लोगों के लिए, उन लोगों को भी याद कर लेना आप कि मैंने तो कुछ किसी ना किसी व्यक्ति के लिए कुर्बानी भी दी है। मैं मिशनरी व्यक्ति हूँ, मैंने बड़े बड़े त्यागों की हिस्ट्री पढ़ी है, जो हमारे महापुरुष हैं उन महापुरुषों की मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि त्याग क्या चीज़ होती है और त्याग से क्या प्राप्त होता है। रमेश जी चलिए वार्ड 21 से मैं दोबारा आता हूँ, अगर मान लीजिए कि आप वार्ड 21 से चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दा क्या होगा? बहुत मुद्दे हैं, कुछ पाँच बहुत मुद्दे हैं। नहीं मैं पाँच ही भी बता देंगे, अभी बताएगा अभी नहीं बताएंगे, कुछ मुद्दा तो होगा जिस मुद्दे पर आप चुनाव, आपके माध्यम से बताएंगे आपके माध्यम से बताएंगे। लेकिन सर मान लीजिए कि कल को आप चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप 14 से लड़ें या 21 से लड़ें, लेकिन मुद्दे कुछ तो आपने बनाए होंगे कि हमारे मेरे वार्ड में ये मुद्दे जिनको मैं इन मुद्दों पर मैं राजनीति करूंगा या इन मुद्दों को मैं मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ूंगा। सर अभी है ना, मुद्दे बताना ना बहुत गर्म खाना है, ठीक है? तो अभी जैसे जैसे नोटिफिकेशन हो जाएगी या घोषणा हो जाएगी फिर आपके मार्फत ही बताएंगे और ग्राउंड न्यूज के माध्यम से बताएंगे, चिंता ना करें। और बहुत अच्छे मुद्दे हैं जो बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए, हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। अब एक तो मैं अभी बता देता हूँ, पीड़ा है मेरे हृदय में, जिन लोगों को बीपीएल कार्ड की आवश्यकता है उन लोगों को बीपीएल कार्ड नहीं बनाए जाते, पार्षद कह देता है नहीं अभी ये हो रहा है वो हो रहा है तुम्हारे नहीं बनेंगे। अरे भाई, जिन लोगों के पास बड़े बड़े हवेलियाँ खड़िया किराया आ रहा है उनके बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं। कारण क्या है, क्यों बनाते हैं वो तो उनसे पूछा जाए, कारण मैं क्यों बताऊँ, मेरे पास तो ना कारण तो आप उनसे पूछेंगे ना। लेकिन कहीं ना कहीं आहार तो आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से और गुड़गांव प्रशासन से। लेकिन रामे जी आहट तो मिली होगी ना आपको कि हालांकि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो अमीरों को क्यों बनाते हैं? उनके पास 10 पैसे लेते हैं, कुछ खुल के बोलिए। नहीं मैं कैसे कह दूं कि पैसे लेते हैं। आप ये बताइए, एक गरीब परिवार है जिसके घर पे ऐसे बहुत परिवार मेरे में आएंगे ना आप फील्ड में, मैं उन परिवारों से मिलवाऊंगा, उनकी परिस्थिति आप दिखाइए, उनके घर पे छत नहीं है, वो विधवा महिला है, उन 3 फुट घर उनका नीचे गया हुआ है, छोटा सा मकान है और उनका बीपीएल कार्ड नहीं है, ये पीड़ा है मेरी। यानी अभी तक आपका जो प्राथमिकता है वो बीपीएल कार्ड को लेकर बहुत काम है। अच्छा, इसके अलावा भी कई काम जो भी सरकार की देखिए सरकार की योजनाएं हैं जिसके लिए बनी है वो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए। एक प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है, केवल अपना घर भरने के लिए प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता है। पहले सरकार क्यों योजनाएं बनाती है, सरकार किसके लिए योजना बनाई, क्या प्रतिनिधियों के लिए बनाई जाती है या आम जनता के लिए बनाई जाती है? आम जन मार्फत प्रतिनिधि सरकार से डायरेक्ट तो नहीं देती, कोई ना ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है? तो जब पार्षद या ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच उन सुविधाओं को अपने लोगों को नहीं पहुँचा रहा तो इसका मतलब वो गलत है ना। तो वे योजनाएं जो भारत सरकार बनाती है वो गरीब लोगों को के उत्थान के लिए बनाती है। लेकिन पार्षद मिली भगत कर जो गरीब लोग हैं उन तक इन सुविधाओं का लाभ नहीं, जो भी समझे, क्योंकि उनके पास वे लोग हुआ है कि वो अपने घर तक सीमित है, उनके पास 10-20 परिवार 100-200 वोटों का चक्कीरा नहीं है। ऐसे लोगों के बनाए जाते हैं जिनके कहने से 10-20 वोट एक्स्ट्रा मिल जाए। वो परिवार वो है कि जो अपनी मेहनत मजदूरी पर ध्यान रखता है अपने पालन पोषण के लिए, और उसके पास केवल अपने घर की 2 वोट या 4 वोट ही है, उसके पास 100 वोट का जखीरा नहीं है, इसलिए उनको इग्नोर किया जाता है। देखिए अभी आप मुद्दे की जो बात कर रहे हैं, 5 साल पार्षद रहने के बावजूद भी बसई रोड के ऊपर आज जो हालात वहाँ के लोगों को खाना खाते टाइम या नहाने के बाद घर से निकलते टाइम या सोते टाइम जो बदबू से को बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कुटिया मंदिर के सामने जो आज दोबारा से खत्ते में कन्वर्ट कर दिया गया, क्या पार्षद को वो नहीं दिखाई दे रहा?
पार्षद है उसके लिए उसने क्या किया, क्या आज तक? और वहाँ पे कब्जे हो रहे इलीगल, वहाँ पे इलीगल। आप शाम के टाइम या सुबह मॉर्निंग के टाइम ड्यूटी का टाइम होता है या ड्यूटी से घर आने का टाइम होता है, एंड के फैक्ट्री के सामने पूरा जाम लग जाता है, एक एक घंटे आधा आधा घंटे का जाम लग जाता है, वो नहीं दिखाई देता। क्या ये समस्या नहीं है? इसको कौन सा ठीक कराएगा? प्रशासन के मार्फत उसको कंट्रोल में करवाना उसका प्रॉब्लम होता है। जी बिल्कुल, तो ये रामे प्रधान है जिनसे हमारी खास बातचीत हुई। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो वार्ड 21 के पार्षद है उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। ऐसे में रामे प्रधान ने हालांकि ये साफ नहीं किया है कि वह वार्ड 21 से चुनाव लड़ेंगे या फिर वार्ड 14 से, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मैं जनता का सेवक हूँ और जनता जहाँ से मुझे लड़ाएगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा।